मैडम जी, आप काटी भी कमाल है और दिखने में भी बवाल हो। जरा ऑटोग्राफ तो देती जाओ। वाह, ये तो टीवी वाली मैडम है, लखनऊ की मशहूर मैडम। अब तो डबल ऑटोग्राफ लेंगे, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। एक लाफा पड़ेगा ना मुंह पे तो सारी बदतमीजी निकल आएगी बाहर। जाओ, हमें परेशान मत करो। अरे सत्तू भैया, भागो, ए, भागो, ए, भागो, ए, भागो, भागो। जय राम जी की। माँ साहब, इतना ओछा दिमाग हो गया तेरा। माँ साहब बुलाया, तू ना आए। वो माँ साहब क्या है ना, इतनी जल्दी में कोनो अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। मरने के बाद ढूंढ के लाएगी। माँ साहब, हिंदुस्तान से भूटान तक बात पहुँच गई है, सब लोग को बोल दिया है, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तो जरूर मिल जाएगा। आज भी एक रिश्ता लेके आई हूँ। तो ये अपने तरह गोल मोल घुमा के बातें क्यों कर रही है, सीधा बात कर। वो सुमन के लिए रिश्ता नहीं लाई हूँ, सत्तू भैया के लिए लाई हूँ। बता, मेरे सत्तू के लिए किसका रिश्ता लाई? बहुत सुंदर है, बिल्कुल संस्कारी, एकदम चांद का टुकड़ा। पूरे लखनऊ में ऐसी भवरिया कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, इस बार तो बस एक सुशील बहू लाऊंगी, जो दुनिया का रीति रिवाज भी जाने और वो माने। बहुत अच्छा प्लान था आपका। देखिए, अब हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो भी लड़के थे ना, वो आपके इशारे पे हमें छेड़ने आए थे। गुंडे ये लोग नहीं है, बल्कि गुंडे आप हैं। हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि हम उन गुंडों के साथ नहीं, हम उन गुंडों से आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये ठीक कह रहे। अरे ये तुम्हारी वजह से यहाँ पर नहीं है पुत्र, बल्कि तुम इनकी वजह से यहाँ पर हो। इनकी वजह से हम यहाँ है, मतलब? ओए, मतलब इन्होंने तो कहा था तुम्हें काम पे रखने के लिए। पर हम इन्हें नहीं जानते हैं। दरअसल वो हुआ यूं कि जिस अखबार में आप इश्तेहार पढ़ रही थी, वो अखबार इत्तेफाक से हमारे हाथ में था। लाखों में एक है मेरा सत्तू, उसके लिए लड़की भी उसकी टक्कर की होनी चाहिए, जानती है ना तू बुनिया? जी जानू हूँ माँ साहब, तभी तो ये रिश्ता लाई हूँ। बात आगे बढ़ा। बात तो आगे बढ़ गई है माँ साहब, वो लड़की वाले पूछ रहे थे कि लड़का कौन है। हमने भी कह दिया दूध सागर के घर का लड़का है। एक काम कर, कल इन लोगों को फैक्ट्री लेके आ। कल सालाना उत्सव है फैक्ट्री का, इस बहाने फैक्ट्री भी देख लेंगे और परिवार वालों से भी मिल लेंगे। आजकल दूध में मिलावट के कई मामले सामने आ रहे हैं। लखनऊ में आज भी लगभग 25 ऐसे मामले दर्ज किए गए हैं। दूध के साथ दवाई का टक्कर। मामलों में सुन लो अम्मा, दूध में मिलावट की वजह से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, और फिर भी तुम मुझे ये दूध से दवा लेने के लिए कह रही हो। अरे बेटा, ये ऐसे वैसे दूध नहीं है, ये दूध सागर वालों का दूध है, और ये दूध पी के तो तेरे बच्चे बड़े हुए हैं। दीदी, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उस गलती को ठीक करने का सलूशन मुझे मिल गया। जिस तरह माँ साहब ने सब रिपोर्टर्स को बुलाकर मैं झूठा फंसाया, उसी तरह मैं भी रिपोर्टर्स को बुलाकर सब सच बता दूँ। अंकित, हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। पापा, 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 घबराने की कोई बात नहीं है, कल रात इन्होंने अच्छा हुआ ज्यादा दूध नहीं पिया, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। हाल ही में दूध सागर के दूध के पीने से बहुत से लोग बीमार हुए, हमने उन लोगों का इलाज किया है और वो ठीक भी हुए। तो किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई कंप्लेन नहीं की किसी ने? अब इन दूध सागर के खिलाफ कौन दुश्मनी मोल ले? ये दूध सागर तो सुमन के घर वालों का है। क्यों चिल्ला रही है आप, क्या हुआ? ऊंची दुकानों फीके पकवान,
बहुत सही गलत की बातें करती है ना। और खुद आपने क्या किया, कभी सोचा आपने? ए लड़की, भगवान संभाल कर बात कर। संभालने की जरूरत हमें नहीं है, संभालने की जरूरत आपको है। दूध के नाम पर जहर बेच रही हैं आप? ये आपकी डेयरी का ही प्रोडक्ट है ना, मिलावट की गई है इसके अंदर। अरे इतना मुनाफा कमाते हैं आप लोग, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं आपकी, इतनी पेट नहीं भरा जो इसमें भी मिलावट करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। इतने लोग की जिंदगियां बर्बाद की ना आपने इस मिलावट वाले दूध बेचकर, उसके लिए पुलिस में तो कंप्लेंट होगी आपकी। छोड़ेंगे नहीं हम आपको। माफी चाहती हूँ, पता नहीं ये पागल लड़की किसके कहने पर मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। अच्छा मासा, अब हम चलते हैं, बाकी बातें फोन पर होते रहेंगे। चले। आग में हाथ डाल दिया इस लड़की ने, अच्छा नहीं किया। अब तो इस आग में ही उलझना पड़ेगा।